की पुलिस से जोरदार झड़प हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाला और वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने किलेबंदी करके उन्हें रोक लिया है। कार्यकर्ता किसी भी हालत में सीएम हाउस घेरने की कोशिश में थे, वो पुलिस से उलझ गए। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में कार्यकर्ता जुटे थे। पहले वाटर कैनन चलाया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर बितर किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद कांग्रेस का एक कार्यकर्ता झंडा लेकर जाता है और उस उठते हुए धुएं पर वो झंडा ढांक देता है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। धुएं वाली बात आगे मैं आपको बताता हूं। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। नर्सिंग घोटाला, जैसे कि आप जानते हैं, गली गली घर घर में कॉलेज जैसा लग रहा है कि चल रहे थे। सीबीआई जांच हुई, पता चला कि सीबीआई की जांच भी गलत हुई है। फिर उस पर एक और सीबीआई जांच बिठाई गई है। अब वो ये देख रही है कि जो पिछली सीबीआई जांच हुई है वो कितनी सही थी। नर्सिंग घोटाले की जहां तक बात है, इसके अलावा भी कई और मुद्दों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। थोड़ी देर पहले वासु को आपने देखा, उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, पर वो काम करने वाले आंसू थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, वो आंसू गैस के गोले वाले आंसू थे। वासु, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? अच्छी बात है, कम से कम कांग्रेस मैदान में तो नजर आती है। टीयर गैस का सामना कर रही है, लाठियों का सामना कर रही है, थोड़ा बहुत खून भी बह रहा है। वासु, बिल्कुल ललित जी, देखिए बहुत क्लियरली तो मैं आपके सवाल को नहीं सुन पाया, लेकिन हलचोर यहाँ पर बहुत है क्योंकि अभी भी जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस देखिए खदेड़ते हुए आपको दिखाई देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, हालांकि मध्यप्रदेश में आसपास अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, ये दावा है कि हम लोग जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। जिस तरह से मध्यप्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, अनाचार हुए, आदिवासियों पर जिस तरीके से खबरें आई कि कई जगहों पर अपराध हुए, उनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, तो उसको लेकर ये पूरी लड़ाई। और कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, क्या हुआ तेरा वादा, उसके तहत पूरे प्रदेश भर से पोस्टकार्ड इकट्ठे किए थे, जो कांग्रेस का कहना था कि हम सीएम हाउस में सीएम को देने जाएंगे, और उसी को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट था। अब चूंकि जो मुख्य नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, बीवी श्रीनिवास हो, मितेन सिंह हो, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी अगुवाई में ये पहला प्रोटेस्ट भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन जो देखने को मिला, उसके बाद भी अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और संघर्ष करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। अब लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पे थोड़ा जबरदस्त तैनात किया गया है कि तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया। जब शुरुआत में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैरिकेड की तरफ बड़े थे, तो प्रदर्शन शुरू होने के 5 से 10 मिनट बाद ही जो वाटर कैनन है वो यहाँ पे पुलिस को चलाना पड़ा था, और वाटर कैनन चलाने के बाद आंसू गैस के दलादन गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े गए, जिसके चलते जो भीड़ है वो यहाँ तितर बितर हो गई और रोशनपुरा चौराहे से सीएम हाउस की तरफ ये भीड़ कूच कर रही थी, इनको पीछे धकेल दिया गया है और अब रंगमहल चौराहे की तरफ जो पूरे प्रोटेस्ट है जो बिल्कुल मुझे नहीं पता कि रंगमहल पर थिएटर है या नहीं, फिल्म